नमस्कार, एबीपी न्यूज पर न्यूज एंड व्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय और मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श झा और अपर्णा मुआज़िम। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी करीब 16 घंटे के सफर के बाद 11:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से ही शुरू होगी, जहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में प्रधानमंत्री शरीक होंगे और उनके साथ कई विदेशी राजनयिक भी योग करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा खास है क्योंकि इस बार वो राजकीय निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। राजकीय यात्रा का निमंत्रण अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों को देता है, जिसे सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। पीएम मोदी आज भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। पीएम मोदी का इस दौरे का कार्यक्रम भी जान लीजिए। 21 जून न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई। 22 जून वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में पारंपरिक स्वागत, राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन, व्हाइट हाउस में डिनर। 23 जून अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ लंच, कई प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों के साथ बातचीत। पीएम भारतीय समुदाय को रोनाल्ड रीगन सेंटर में संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में 24 से 25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा जाएंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी की यह अमेरिका यात्रा दोनों ही देशों के संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं पीएम मोदी जिस समय पहुंचे और अमेरिका के लिए रवाना हुए और आज रात 11:30 बजे तक न्यूयॉर्क पहुंचने की उनकी उम्मीद है। इसके अलावा अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको वो झलकियां भी दिखा रहे हैं जब अलग अलग मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में संबोधित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से चीन को मिर्ची लग गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक सहयोग कभी भी चीन के साथ व्यापार की जगह नहीं ले सकता, ना ही चीन के सप्लाई चेन की बराबरी कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि भारत चाहे अमेरिका को जितना भी निर्यात करे, लेकिन उसे कच्चा माल तो चीन से ही आयात करना होगा। और विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और के अमेरिका दौरे को लेकर, अभी आप वहीं मौजूद हैं, इस समय क्या हलचल वहां पर और क्या कुछ और महत्वपूर्ण इनपुट्स? अपर्णा, बिल्कुल, आपने जो खबर बताई वो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले कि मैं खबर पर आऊं, आपको टाइम्स स्क्वायर का नजारा दिखा देते हैं। देखिए यहां पर है ना, तकरीबन रात के 11:00 बज रहे हैं और देखिए आप इस वक्त यहां पर जबरदस्त चहल पहल है, सजी धजी बड़ी बड़ी LED स्क्रीन के जरिए इस पूरे टाइम्स स्क्वायर को तमाम तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने विज्ञापन से रंग बिरंगा बना देती हैं, और इस टाइम्स स्क्वायर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जो न्यूयॉर्क आते हैं वो यहां पर खींचे चले आते हैं। चारों तरफ का एक बार आपको नज़ारा दिखा देते हैं इस टाइम्स स्क्वायर की भव्यता का, और जो इस अमेरिका के भव्य और धनी होने का एक सबूत भी देता है। तो अब वापस खबर पर आते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो बात आपने बताई कि मिर्ची लग गई है, इसी में सारा सार है। अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ता के चरम पर हैं, जिसको कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल चल रहा है, और चीन को इस बात से मिर्ची लगना भी लाजमी है, क्योंकि चीन ना केवल भारत से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मात खा रहा है, ना केवल सीमाओं पर मात खा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मात खाने के साथ साथ अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकियाँ उसको कतई रास नहीं आ रही हैं। और यही वजह है कि जो चीज़ भविष्य में होने वाली है उस बात को लेकर आज से चीन दुखी है और ये कह रहा है कि चीन की सप्लाई चेन और ट्रेड को भारत मात नहीं दे सकता, लेकिन आने वाले भविष्य में ये एक सच्चाई साबित होकर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता है, देश से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले वे IGI एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं और तकरीबन दोपहर के 12:00 बजे न्यूयॉर्क समय के मुताबिक यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद उनका ऐतिहासिक अमेरिकी दौरा शुरू हो जाएगा, योग दिवस से लेकर जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत और कांग्रेस यानी कि जो अमेरिकी संसद है उसके संयुक्त सत्र के संबोधन के बीच कई ऐसे महत्वपूर्ण समझौते होने हैं भारत और अमेरिका के बीच, जो योग के जरिए शांति का संदेश देंगे, तो सामरिक समझौते के जरिए भारत दुनिया को यह भी बताएगा कि आंख उठा के देखा
तो फिर हमारे पास इतना बल बढ़ने जा रहा है, हमारी सामरिक शक्ति। ये अहम बात आप कर रहे हैं विकास, और जाहिर सी बात है सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर लगी हुई है। और भारतीय समय के अनुसार अगर बात करें तो करीब 11 बजे के आसपास रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वहां पर उनका भव्य स्वागत की तैयारी जिस तरीके से विकास बता रहे थे वो की गई है, और खासकर भारतवंशियों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।